आपका जोड़ा है जो कि धरती माँ भारत माता के तहत हमने पुकारा है। तो ये स्त्री की क्या होने की समस्या थी, उन्हें किस प्रकार से बताए बताएं जिन्हें पढ़ते हैं इस तरह की मेरी ये पंक्ति है। वो मुस्कुराए तो मन को मोह ले, वो मुस्कुराए तो मन को मोह ले, उसके आगमन से लक्ष्मी जी का वास हो, उसके बिना घर परिवार सूना और निराश हो, उसके स्नेह में ममत का आवास हो, उसका क्रोध जैसे स्वयं अग्निदेव निराश हो, यह कोई और नहीं संपूर्ण संसार की नारी जाति है जो आज भी बेटी बहू बच्ची और ना जाने कितने रूपों में प्रताड़ित पाई जाती है, मेरी जो अगली पोएट्री है वो एक गरीब की स्थिति को बताते हुए एक उस धनी भक्त की उस गरीब के प्रति जो सोच है और उस पर प्रभु का जो उत्तर है प्रतिक्रिया है उसे मैंने बताया है। ये मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ये बस एक मेरी पंक्ति है जो कि इस प्रकार है। जन्म से मरण तक तू प्रभु के गुणगान गाता रहा, जन्म से मरण तक तू प्रभु के गुणगान गाता रहा, हाथ में लिए भरी थाल तू उसके द्वार जाता रहा। जन्म से मरण तक तू प्रभु के गुणगान गाता रहा, हाथ में लिए भरी थाल तू उसके द्वार जाता रहा। देख द्वार पर खड़े गरीब को तू आंख दिखाता रहा, सूखे अधरों से वह तुझे अपने भूखे देख द्वार पर खड़े गरीब को तू आंख दिखाता रहा, सूखे अधरों से वह तुझे अपने भूखे होने का प्रमाण देता रहा। गौर कीजिएगा अगली पंक्ति प्रभु की है। देख भरी थाल प्रभु हुए दुखी और कहा मैंने तो तुझे भेजा था धरती पे जनसेवा के लिए।